हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ वीरेंद्र, आप देख रहे हैं वीर द राइडर व्लॉग्स। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं कांथा हनुमान मंदिर, महावीर बाबा मंदिर। तो देखते रहिए व्लॉग को, बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और वहाँ पे दिखाते हैं मंदिर आपको, बहुत अच्छे अच्छे मंदिर बने हैं। तो चलो चलते हैं, लेट्स गो। चुके हैं मंदिर, जो कि कांथा में स्थित है, महावीर बाबा मंदिर। और यहाँ पे शनि देव का भी मंदिर बना है, दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए, इधर अंशु जा रहा है पीछे में,
और ये देखिए मंदिर का गेट, ये देखिए बहुत ही बड़ा बना है ये मंदिर। तो दोस्तों ये बहुत ही पुराना मंदिर है, देख सकते हैं कितना पुराना मंदिर है। बहुत दिनों, मतलब मुझे खुद नहीं मालूम कितना पुराना है, लेकिन बहुत पुराना मंदिर है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और वो देखिए वहाँ पे बंदर भी हैं, कुछ बहुत बंदर हैं यार यहाँ पे। डर लग रहा है कहीं मोबाइल न छीन ले जाएं। तो दोस्तों अब चलते हैं हम लोग शिवालय के अंदर। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छी चित्र बने हुए हैं और सब लोग घूम रहे हैं यहाँ मंदिर में। ये भूपेंद्र और पीछे है अंशु। द्वार और बहुत ही अच्छा है, अंदर भी बहुत अच्छा है।
जैसा कि मैंने आपको दिखाया, और इसका निर्माण सन 1923 ईस्वी में हुआ था। सोच लीजिए कितना पुराना मंदिर है। देखिए इधर कितना खूबसूरत नज़ारा, और उधर पीछे में है शनि देव का मंदिर, वो जो दिख रहा है शनि देव जी का मंदिर है वो उसके अंदर भी बहुत अच्छा है, और वो जल्दी में ही बना है अभी। और इस बार हम जा रहे हैं दूसरे रास्ते से, दिखाते हैं दूसरा रास्ता कैसा है। अच्छा है, बहुत अच्छा रास्ता है, और आगे में ये काथा, तो देखते रहिए वो लोग। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं रास्ते से, इधर रास्ते में एक नहर पड़ता है, देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा, बहुत पानी ही पानी, बहुत अच्छा व्यू। दिखाते हैं पीछे, क्या खूबसूरत नज़ारा है भाई। अबे कितना मस्त लग रहा है, पानी देख रहे हो पप्पू कितना ऊंचे दे आ रहा है। क्या मस्त व्यू है भाई, नहीं वो पानी बहुत भाई बहुत जबरदस्त है ना पानी। देख सकते हैं दोस्तों इधर कितने ऊपर से बह रहा है, कितना पानी आ रहा है और कैसे गिर रहा है, ये देखिए दोस्तों। तो हम जा रहे हैं, बाकी दिखाते हैं और क्या क्या देखने को मिलता है, जो मिलता है दिखाएंगे आप लोगों को। और हमारे ड्राइवर साहब बहुत जल्दी में हैं, ड्राइवर चेंज। देखिए दोस्तों कितना जंगल, रात में आए तो मैं तो यहाँ डर ही लगता होगा यार, बहुत ही खतरनाक रोड।